पहन पहन के शूट करने के बाद मैंने इनको ऐसे उल्टा ही छोड़ दिया, मैंने सीधा किया ही नहीं। वाओ। हाय एवरीवन, आई एम बैक विथ अ हॉल, माय फर्स्ट हॉल। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोगों ने ये वाला शॉर्ट्स तो देख ही लिया होगा, तो इसमें मैंने सबको कमिट किया था दैट आई विल ब्रिंग अ हॉल, वेट फॉर अ हॉल। तो फाइनली मैं वो हॉल ले आई हूँ, और ज़्यादा बड़ा हॉल तो नहीं है बट देन फिर भी बड़ा है। मेरे को शूट करते करते देख रहे हो कितना पसीना आ गया, मतलब लिटरली ये देखो। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट इन टू द हॉल। एंड दिस हॉल इज नॉट जस्ट फॉर द ओवरसाइज टी शर्ट्स, दिस इज फॉर नॉर्मल टी शर्ट्स ओनली। बट मैंने एक दो ही किए हैं तो इसको ओवरसाइज कंसिडर कर सकते हो इस हॉल को। एंड अनदर थिंग टू बी कंसिडर्ड इज कि ये हॉल नॉट टिपिकली फ्रॉम वन ब्रांड। नो, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को इसमें डाला है, जितने भी टी शर्ट्स मैं जहाँ जहाँ से भी लेती हूँ मैंने सारे इसमें डाले हैं। तो कम ऑन, लेट्स चेक इट आउट टुगेदर। सबसे पहले आई एम गोना शो यू इज दिस रेड टी शर्ट। दिस इज एन ओवरसाइज टी शर्ट, ये है फ्रॉम बेवकूफ, या बेवकूफ इन द साइज मीडियम। एंड बहुत अच्छा टी शर्ट है यार, आई वुड लिटरली गिव हैट्स ऑफ टू बेवकूफ ब्रांड। बहुत ही फंकी, बहुत ही ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स में टी शर्ट्स लॉन्च करते हैं, और जो इनके प्रिंट्स हैं, आई मीन दे आर जस्ट सो फंकी, और बाकी ब्रांड्स से काफ़ी एज मुझे लगता है। एंड बहुत ब्रीदेबल है, बहुत सॉफ्ट है। दिस इज़ होजरी मटीरियल, कॉटन भी बोल सकते हो बिकॉज होजरी एंड कॉटन इज़ वन एंड द सेम थिंग, एक ही तरह का वेरिएंट होता है। बहुत जल्दी आपका पसीना एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं है स्किन पे। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टी शर्ट, द कलर एंड एवरीथिंग। दिस इज़ नॉट आयरन बाय द वे, सो सॉरी फॉर दैट, बट यू कैन इग्नोर इट। By the way, if in case you need any link of any t-shirt, let me know. I'll put that in the comments down below. And हाँ, मैंने कहाँ कहाँ से लिया वो सब भी डाल दूंगी, जितना possible t-shirts के links होंगे I'll put that. This lovely t-shirt, I'm loving it. मतलब एक तो color black, हर लड़की को ब्लैक कलर पसंद है, ऊपर से oversized t-shirts हो तो फिर तो my god, सोने पे सुहागा। तो ये बहुत ही अच्छी टी शर्ट है, एंड देख सकते हो मुझे कितना मतलब अच्छा सा आ रहा है ना, मेरा लुक चेंजिंग है बिल्कुल ये कलर और ये फिट। ऊपर से ये जो डिटेलिंग है इसमें बेब, दिस इज़ वेरी क्यूट, बहुत अच्छा लगता है। एंड काफ़ी बड़ा साइज़ है, आई टुक दिस इन द साइज, दिस इज़ लार्ज, मैंने इसको लार्ज में लिया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टी शर्ट है, मतलब लवली। Then comes this another pink t-shirt. This is a very cute color, बहुत ही प्यारा color है, and this I bought from Blue Heart. ये मैंने ना mall से लिया था, मुझे याद नहीं है कि कौन से store से लिया था, but इस पर Blue Heart लिखा हुआ है। This is also in the size large, if you can see. So this is also very good t-shirt, बहुत ही breathable material है, soft है, this is again hosiery, बहुत अच्छा है summers के लिए, summer appropriate, comes with this detailing of a pocket, बहुत cute लगता है। वैसे obviously हम कुछ इसमें डालने नहीं वाले हैं, but then of course you know it gives you a cute look. So this was the another t-shirt. Moving on to the next one, this is just lovely. ये थोड़ा mustard color में कह लो या थोड़ा सा orangeish का tone कह लो, this is very nice. बहुत bright है of course. This I bought from Meesho in the size large, and बहुत ही अच्छा fabric है इसका भी। मुझे expected नहीं था कि Meesho इतने अच्छे oversized t-shirts भी रखता है, and literally this has been delivered beyond my expectation. The quality, the fabric, everything, the size, fitting, everything is just on point. बहुत अच्छा टी शर्ट है, और जो इस पर लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, दिस गिव्स यू अ वेरी स्मार्ट लुक, यू नो अगर आप कहीं खेल लें, प्लीज इग्नोर दिस साउंड, मेरे बैकग्राउंड में वो आइसक्रीम वाले भैया आते हैं, जाते रहते हैं। तो ये टी शर्ट्स वो वाली टी शर्ट्स हैं, यू नो जब कहीं तुम बास्केटबॉल खेलने जाओ तो छोटे छोटे से शॉर्ट्स डाल लो और लूज टी शर्ट्स, इस पर 24 भी लिखा हुआ है ना, जस्ट काइंड ऑफ अ जर्सी लुक, तो ये वैसी टी शर्ट्स हैं। मूविंग ऑन टू द अनदर वन, दिस माई फेवरेट कलर, दिस टी शर्ट हैज नथिंग एट ऑल प्रिंटेड ऑन इट, नथिंग रिटन, नथिंग कुछ भी नहीं है इसमें। दिस इज ऑल्सो इन द साइज लार्ज, आई बॉट दिस फ्रॉम अमेजोन, और देखो इसमें कुछ भी नहीं है, अ वेरी सिंपल टी शर्ट, लूज फिटिंग, बहुत ही बेसिक्स है इसमें। तुम पता है एक बार मैंने इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी डाले हैं, देखे ही होंगे, मैं ऑफिस गई थी तो भी मैंने इसे पहना था, मतलब यू कैन यू नो
इफ यू हैव दैट सेंस ऑफ यू नो ड्रेसिंग अप ना, स्टाइलिंग अप थिंग्स, तो आप इसको किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हो. यू कैन स्टाइल इट ऑफ बाय टकिंग इट इनसाइड एंड विद बेल बॉटम जीन्स. सो यू कैन ट्राई इट ऑन लाइक दैट एंड आप इसे कितनी तरह से पेयर कर सकते हो, मतलब बहुत तरह से. तो मैं इसको 3-4 बार पहन चुकी हूँ, एक दो बार आई थिंक अपने शॉर्ट्स में भी पहन चुकी हूँ, एंड दिस इज वेरी गुड. द फैब्रिक इज रियली वेरी नाइस, बहुत ब्रीदेबल, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा है एंड लवली. नेक्स्ट इज दिस. यार ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, नॉट बिकॉज कि ये कौन से ब्रांड से है या ये कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा है, वो बातें बाद में है, बट बिकॉज ऑफ दीज स्ट्राइप्स. यू नो दीज स्ट्राइप्स लुक्स वेरी स्मार्ट, क्लासी एंड एट द सेम टाइम गिव्स यू वेरी जैसी फील ऑल्सो. तो बहुत ही अच्छा है ये टी शर्ट. दिस इज इन द साइज XL एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मैक्स. तो ये बहुत ही अच्छा टी शर्ट है. ये मैंने पता नहीं क्यों XL में लिया था, बट ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है. एंड जस्ट लुक एट दिस, दिस इज सो क्यूट एंड हियर इट इज रिटन वाइब, गुड वाइब्स. तो बहुत ही अच्छी डिटेलिंग है, बहुत ही प्यारा टी शर्ट है. जस्ट लुक एट दीज स्ट्राइप्स, लुक्स वेरी क्यूट, आप देख ही सकते हो इन द ट्राई ऑन, बहुत ही ज्यादा प्यारा है. फैब्रिक इज वेरी गुड, वेरी सॉफ्ट, गुड फॉर योर स्किन इन समर्स, डू ट्राई इट आउट. नेक्स्ट इज दिस टी शर्ट. दिस इज नॉट अ वेरी ओवर साइज काइंड ऑफ अ टी शर्ट, बट दिस इज नाइस. ये घर में डेली वेयर के लिए यू कैन गो फॉर इट. एनी हाउ टी शर्ट्स, ओवर साइज टी शर्ट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप बाहर ही पहनो, आप घर में भी पहन सकते हो यार. जरूरी नहीं कि घर में कुछ भी ऐसा वैसा पहनना है कि पहन सकते हो. सो दिस इज वॉट आई यूजली वेयर एट होम. तो बहुत ही क्यूट है ये भी, एंड इस पे लिखा हुआ है अपसाइड डाउन एंड दैट इज वाई ये अपसाइड डाउन पिक्चर है इसमें. दिस इज वेरी नाइस, वेरी ब्रीदेबल अगेन, होजरी मटीरियल इन द ब्लेंड ऑफ कॉटन, बहुत अच्छा है. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मैक्स इन द साइज लार्ज. इसमें पता नहीं डिजनी लिखा हुआ है, तो दिस इज फ्रॉम दैट ब्रांड. आई एम नॉट श्योर वेदर मुझे इसका लिंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट इफ इन केस मिला तो मैं डाल दूंगी. सो दिस इज इट, दिस इज वेरी नाइस. अनदर, एज आई सेड, लाइलैक इज माई फेवरेट कलर, आई लव लैवेंडर. तो एक और तो आना ही था, दिस वन. सो दिस टी शर्ट इज समथिंग दैट आई लव. बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, कलर बहुत अच्छा है, इतना लाइट कलर है कि सन में ना आप एकदम ऐसे क्यूट से रेडिएट करते रहते हो. और दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बेवकूफ, फ्रॉम इन द साइज मीडियम, एंड बहुत ही अच्छा है ये टी शर्ट. इस पर लिखा हुआ है होप इज वॉट वी नीड. तो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी डिटेलिंग्स का करते हैं. लेट मी टेल यू, लिटरली यू नो आई गिव ऑन 10/10 टू बेवकूफ फॉर देयर टी शर्ट्स. क्या टी शर्ट्स बनाते हैं यार, आई मीन ब्रिलियंट, बहुत अच्छे टी शर्ट्स हैं, बहुत ही वाइब्रेंट इफेक्ट, बहुत ही अच्छे थॉट्स लिखते हैं, बहुत ही अच्छे पिक्चर्स होती हैं उनके टी शर्ट पर, बहुत ही अच्छा अच्छा सब कुछ होता है. सो दिस इज वेरी गुड टी शर्ट, वेरी ब्रीदेबल, कॉटन होजरी मटीरियल ब्लेंड, वेरी नाइस ऑन सम. एंड द अनदर वन इज व्हाट आई एम वियरिंग, दिस वन. तो पता नहीं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिस टी शर्ट यहाँ दिख जाएगा ट्राई ऑन. सो दिस इज ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल, देखो मैंने घर में पहना हुआ है अपने रूम में, एंड दिस इज वेरी क्यूट, बहुत अच्छा टी शर्ट है. ये 3 कलर्स में है, ऑलिव ग्रीन, ब्लू वाइट, एंड बीच में ग्रे 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 करके है. तो दिस वॉज द लास्ट टी शर्ट. दिस लुक्स वेरी नाइस, वेरी ब्रीदेबल, वेरी क्यूट, वेरी नाइस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस ब्लैक कलर का टी शर्ट अगेन. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बेवकूफ. बेवकूफ को मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी टी शर्ट है यार. दिस इज इन द साइज स्मॉल, देखो ये एस लिखा हुआ है एंड दिस इज बेवकूफ. बहुत ही अच्छी टी शर्ट है यार, इस पे लिखा हुआ है माला फर्क नहीं पड़त. सो यू नो फ्यू मंथ्स बैक आई वेंट टू बॉम्बे और मैंने ये पहना था, नहीं इनफैक्ट मैंने इसमें का जो रेड वाला दिखाया था ना, ये वाला ये दोनों मैंने साथ में लिए थे. मैंने ये रेड वाला पहना था एंड मेरी बहन ने ये वाला पहना था, और हम दोनों क्या लग रहे थे यार ट्रेन में. मतलब मैं सच बता रही हूँ, तुम लोग कैजुअली किसी ट्रिप पे जाओगे ना तो भी इन्हें डाल सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी. और ये इतनी अच्छी है यार, मतलब गर्मी में पहनो, सर्दी में पहनो, टच से मस्त नहीं होगा फैब्रिक. होजरी मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से, होजरी एंड कॉटन, तो ये वही है. एंड दिस इज वेरी गुड, ट्राई ऑन भी देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही हो ना. सो दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. एंड बेवकूफ के तो थॉट्स अलग ही होते हैं यार, माला फर्क नहीं पड़त और पता नहीं होप, इट्स माई लाइफ, मतलब लवली. काफी जाजी और काफी फंकी लुक के लिए यू कैन गो फॉर दीज टी शर्ट्स. सो दैट्स इट फॉर द हॉल एंड आई विल सी यू इन अनदर हॉल. बाय बाय.